दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं YouTube की एक ऐसी समस्या को लेकर जिसको लेकर काफ़ी लोग परेशान हैं और उसका कोई भी उन लोगों को समाधान नहीं मिलता है। जैसे कि आप लोगों के साथ भी अगर स्टेप टू एरर शो करने लगा है या आपके साथ फिक्स इन एडसेंस शो करने लगा है जिसको आप ठीक नहीं कर पा रहे हैं, तो आज आपका भाई आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला है जिससे आप भी इस प्रॉब्लम को आसानी से ठीक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक चैनल लॉगिन कर लिया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं इन मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने DH एडवाइस चैनल पर भरोसा किया और अपने यूज़र आईडी पासवर्ड हमें सेंड किए। दोस्तों, अब हम चलते हैं अर्निंग पर। इस पर हमने क्लिक किया, उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे अर्न ऑन यूट्यूब। यहाँ पर स्टेप वन है वो डन हो गया है और स्टेप टू पर एरर आया हुआ है। और यहाँ पर आप देखेंगे फिक्स इन एडसेंस शो कर रहा है, यहाँ पर चेंज एसोसिएशन का कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है। ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना होगा? सबसे पहले आपको करना क्या है, जो आपका गूगल एडसेंस अकाउंट बना हुआ है वो आपको लॉगिन कर लेना होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर गूगल एडसेंस अकाउंट लॉगिन कर लिया है और यहाँ पर जो एरर आया है, वो इशू आया है, वो यहाँ पर आया है मिसिंग पेमेंट प्रोफाइल। तो आप यहाँ पर देखेंगे इन मैम ने अपना जो एडसेंस अकाउंट को क्लोज कर दिया था जिसके चलते वहाँ पर एरर आया है। अभी हम इसको यहाँ पर रीएक्टिवेट करेंगे। इस पर हमने क्लिक किया, उसके बाद आप यहां पर देखेंगे ये हमारा जो एडसेंस अकाउंट है वो रीएक्टिवेट हो रहा है और आपको यहां पर देखेंगे एंटर इन्फॉर्मेशन। यहां पर आपको वही इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी जिस टाइम आपने एडसेंस अकाउंट बनाते टाइम की थी। तो यहां पर वो हम सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर देंगे। दोस्तों, हमने यहाँ पर फुल इन्फॉर्मेशन फिल कर दी है, उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट कर देना होगा। इतना आपको काम कर देना है, उसके बाद आपको यहाँ पर 24 घंटे का आपको वेट करना होगा। तो हम भी यहाँ पर वेट करते हैं। दोस्तों, दूसरे दिन हमने फिर से चैनल को लॉगिन किया है, तो अभी हम चलते हैं उसी ऑप्शन पर। यहाँ पर आप देखेंगे ये लिखा है अर्निंग, इस पर हमने क्लिक किया है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर अब हमें यहाँ पर चेंज एसोसिएशन का ऑप्शन मिल चुका है। ये आपको करना क्या है, यहाँ पर एक एडसेंस अकाउंट क्रिएट करके लिंक करना होगा। तो वो कैसे करना है अब आपको यहाँ पर समझना होगा। दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे फिक्स इन एडसेंस एंड चेंज एसोसिएशन दो ऑप्शन है। तो यहाँ पर आपको चेंज एसोसिएशन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद जिस मोबाइल में आपका ये जीमेल अकाउंट लॉगिन है आपको उस मोबाइल से यहाँ पर परमिशन देना है और यहाँ पर इसको साइन इन कर लेना होगा। ये जो आपका कंप्लीट आपको वेरीफाई कर लेना होगा। यहाँ पर आप देखेंगे प्रोसीड पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों, जैसे ही आप लोग परमिशन देंगे उसके बाद आप देखेंगे ऐसा पेज ओपन होगा और यहाँ पर एक ऑप्शन होगा सिलेक्ट। तो जैसे आप इस सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर तीन ऑप्शन निकल के आते हैं। यहाँ पर आपको पहला जो ऑप्शन बताया गया है, यस आई हैव एन एक्सिस्टिंग अकाउंट, कि हमारे पास पहले से एक एक्टिव एडसेंस अकाउंट है। दूसरे का है, दूसरे ऑप्शन देखें नो, तो हमारे पास कोई भी एक्टिव एडसेंस अकाउंट नहीं है। अगर आप लोग नया एडसेंस अकाउंट बनाना चाहते हैं तो आपको ऑप्शन नंबर टू सेलेक्ट करना होगा और जिन लोगों के पास एक्टिव एडसेंस अकाउंट है वो उसको लिंक करना चाहते हैं तो उनको ऑप्शन पहला सेलेक्ट करना होगा। तो हमने यहाँ पर पहला ऑप्शन सेलेक्ट किया है, उसके बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू कर देना होगा। दोस्तों, जैसे आप यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे तो आपसे यहाँ पर एक जीमेल आईडी मांगी जाएगी, जिस जीमेल आईडी पर आपका एडसेंस अकाउंट बना हुआ है वो एक्टिव है, उस जीमेल आईडी को यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। तो हम उससे यहाँ पर लॉगिन कर लेते हैं। आप देखेंगे हमने वो जीमेल आईडी यहाँ पर डाल ली है, उसका पासवर्ड भी हमने डाल दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना होगा। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो जो यहाँ पर स्टेप टू वेरिफिकेशन को डन करने के लिए जो आपने यहाँ पर मोबाइल नंबर दे रखा है उस पर एक OTP जाएगा, वेरिफिकेशन कोड जाएगा, तो उसको हम यहाँ पर सेंड करके फिल कर लेते हैं। दोस्तों, हमारे पास वेरिफिकेशन कोड आ गया है, उसको हमने यहाँ पे फिल किया है और यहाँ से आपको नेक्स्ट कर देना होगा। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर आपका जो भी पेमेंट डिटेल फिल की हुई है वो शो करेगा, तो आपको यहाँ पे कंटिन्यू कर देना होगा। कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पर आपको सेटअप अकाउंट करना है, तो जो आप जीमेल जो आपके चैनल का URL लिखा है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर आपको सेटअप कर देना है।
उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे कस्टमर इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर आपके जो इन्फॉर्मेशन फिल है वो यहाँ पे शो करेगा। अगर आप सबमिट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी बदलाव करना चाहते हैं तो इस पेन आइकन पर क्लिक करके यहाँ पर जो भी आप बदलाव करना चाहते हैं वो बदलाव कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ बदलाव करने हैं वो यहाँ पे हम कर देते हैं। दोस्तों जो भी हमें यहाँ पर बदलाव करने थे वो हमने कर दिए हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट कर देना होगा और यहाँ पर आपको करना क्या है, रीडायरेक्ट टू एडसेंस, आपको इस पर क्लिक कर देना होगा। अभी दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे हमने रीडायरेक्ट टू यूट्यूब किया है तो अभी हमारा पेज है वो रिफ्रेश होने लगा है और हमारा रिफ्रेश होकर उसी पेज पर आ गया है। अभी आप यहाँ पर देखेंगे स्टेप टू पर इन प्रोग्रेस में जा चुका है। तो यहाँ पर आपको 24 से 48 घंटे का वेट करना होता है, अगर इससे ज़्यादा का समय लगता है तो वो होता है आपको 2 से 3 वीक। जब तक ये कंप्लीट नहीं होता है आपको कम से कम 2 से 3 वीक का इंतजार भी करना पड़ सकता है। तो अभी हम यहाँ पर वेट करते हैं कितना समय लगता है ये डन होने में। तो दूसरे दिन हमने चैनल को दोबारा से लॉगिन किया है और अब हम चलते हैं मोनिटाइजेशन वाले ऑप्शन पर। इस पर हमने क्लिक किया, उसके बाद आपका पेज है वो रिफ्रेश होगा और आप देख सकते हैं जो हमने यहाँ पर एडसेंस अकाउंट बना के लिंक किया था वो चैनल के साथ लिंक हो गया है और हमारा चैनल है वो मोनिटाइज हो गया है। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई भी डाउट या कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या वीडियो में कमेंट करके ज़रूर पूछना, मैं आपकी पूरी सहायता करूँगा। तो चलिए दोस्तों आपसे फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।